तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का जो है इसके एप्लीकेशंस और कुछ लिमिटेशंस जानना ज़रूरी है कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं और क्या क्या इसके जो लिमिटेशंस हैं वो हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, वो ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड रिसर्च। सबसे बड़ा जो फायदा करता है वो तो ये करता है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च में इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने दो डीएनए को मिलाकर हमने एक नया डीएनए बनाया है, जिसको हम लोग आरडीएनए बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसने क्या असर किया, उसने उसका क्या महत्व रहेगा, ये जानने के लिए हमको रिसर्च करना ज़रूरी है कि हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि अगर मैंने क्या किया कि एक मान लीजिए गोट का, मतलब एक बकरी का मैंने डीएनए निकाला और एक मैंने भेड़ का डीएनए निकाला, दोनों के डीएनए को मिक्स करके मैंने एक नया डीएनए बनाया जिसको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रही हूँ। अब इन दोनों के डीएनए को मिलाकर जो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसे मैं किसी दूसरे जानवर में या फिर किसी दूसरे किस्म के भेड़ में ट्रांसफर करके देखना चाहती हूँ क्योंकि उसके बॉडी में क्या असर हो रहा है करके। तो हमको रिसर्च करने का बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें प्राप्त होती है कि रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। क्या रिसर्च कर रहे हैं कि क्या पता चलेगा हमको कि अगर हम डीएनए को इंसर्ट करवाएंगे किसी का, ठीक है, कि डीएनए को हम दूसरे की बॉडी में इंसर्ट करके उस वो जो डीएनए है वो दूसरे की बॉडी में क्या असर दिखा रहा है, ये चीज हम लोगों को पता चलती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान होता है, खोजबीन में, ठीक है। तो रिसर्च में और साथ ही साथ रिसर्च में है तो जाहिर सी बात है ये बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में होगा। एक चीज याद रखें, कभी भी जो डी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है वो मोस्टली उसे इंसर्ट करवाने के लिए हम बैक्टीरियल सेल होस्ट को ही लेते हैं क्योंकि हम किसी भी जीव में, किसी भी एनिमल में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते कोई भी डीएनए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए बैक्टीरियल सेल को एज ए होस्ट कभी भी लिया जाता है, ठीक है, यूजुअली। लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर जहाँ पर बड़े लेवल पर रिसर्च किया जाता है वहाँ तो इंसानों पे भी करके देखेंगे और जानवरों पे भी करके देखेंगे, बट ऑब्वियस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो इनिशियल लेवल पे सबसे बेस्ट होता है बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का यूज हम लोग बहुत सारी चीजों में करते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके के तरह तरह अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स भी करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो एक रिसर्च हुआ बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, और दूसरा जो है मेडिसिन में नए नए दवाइयों का निर्माण करने के लिए, नई नई दवाइयों के आविष्कार के लिए मेडिसिन्स में, मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मेडिसिन में कैसे यूज़ हो रहा है, अब एक बात बताइए, मुझे अगर कोई बीमारी है, ठीक है, मुझे एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी है, वो जो बीमारी है वो मुझे है, दूसरों में नहीं है, या तो फिर ये मान लीजिए कि जो कोरोना वायरस है इतने लोगों में हो रहा है, बहुत लोगों में हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो मुझे नहीं हो रहा है किसी कारणवश, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे डीएनए में ऐसा कुछ चीज है जिसकी वजह से हो नहीं रहा है, तो फिर मेरे डीएनए को और दूसरे किसी जानवर के डीएनए को या फिर किसी और पर्सन जिसको नहीं हो रहा है उन उसके डीएनए को मिक्स करके मैंने एक नया डीएनए बनाया, ठीक है, और उसको नए डीएनए को बनाकर मैं देखूंगी कि क्या इसकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, वो नया जो डीएनए बना उसमें क्या चीज दिख रहा है, जिसके फलस्वरूप मैं एक नई दवाई का आविष्कार कर सकती हूँ
जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई निकलेगी। जैसे कोरोना वायरस के लिए भी आज के डेट में क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, बट रिसर्च के बाद भी कुछ कंक्लूजन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं तो किस चीज पे कर रहे हैं, कोरोना वायरस पे ही कर रहे हैं। कोरोना वायरस के जीनोम की स्टडी की जा रही है, जीनोम मीन्स उसके डीएनए की स्टडी की जा रही है, और डीएनए है दैट मीन्स कि डीएनए कोरोना वायरस मतलब आरएनए, सॉरी डीएनए नहीं आरएनए, तो जेनेटिक मटेरियल की ही स्टडी करके हम क्या करेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, नई दवाई का आविष्कार कर सकते हैं, नई नई वैक्सीन निकाल सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेडिसिंस में भी बहुत बड़ा योगदान है, नई दवाइयों के आविष्कार के लिए भी। ठीक है, एक पहला सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इन बेसिक रिसर्च। जो बेसिक बेसिक रिसर्च होते हैं, आधारभूत तरीके से जो रिसर्च किए जाते हैं छोटे छोटे, उन पे सबसे बड़ा योगदान तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होता है, क्योंकि हम दो डीएनए मिलाकर हम क्या कर रहे हैं कि नया डीएनए बना रहे हैं। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक मूवी आई थी क्रिश 3 करके, उसमें जो एक पर्सन था जिसने विलेन का कैरेक्टर प्ले किया था, उसने वो क्या करता था कि एक जानवर के डीएनए और अपने डीएनए को मिलाकर वो क्या बनाता था, मानवर बनाता था, मानव और जानवर को मिलाकर। ठीक है, तो मानवर बनाता था, तो जो बनने वाला जो पर्सन रहता था उसमें इंसानों के भी गुण रहते थे और उस जानवर के भी गुण रहते थे जिस जानवर से उसे जिस जानवर के डीएनए से उसे बनाया गया रहता था। तो दो डीएनए मिलाकर हमने नया चीज क्रिएट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने ताकि आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिले कि किस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। तो बेसिक रिसर्च में इसे किया जाता है, इन विच द टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट करंट वर्क इन द बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज। तो जितने भी करंट अभी जो रिसर्च ऑलरेडी चल रहे होते हैं, जो रिसर्च बायोमेडिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंसेस में जो रिसर्च ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कोई बायोमेडिकल रिसर्च चल रहा है जिसमें हमें किसी ऐसे डीएनए की जरूरत है जो नया टाइप का हो, तो उसके लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज कर सकते हैं। तो उसमें रिसर्च, छोटे छोटे रिसर्च में भी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनका यूज भी किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलूंगी यहाँ पर मैं, बेसिक रिसर्च में। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैप एंड सीक्वेंस जीन्स एंड टू डिटरमाइन देयर फंक्शंस। अब जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है आपका, डीएनए में बेस पेयर्स लगे होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब ये जो बेस पेयर्स है उनकी मैपिंग, मतलब कौन सा बेस पेयर कहाँ लगा हुआ है उसको जानना, उसकी मैपिंग करना जीनोम मैपिंग कहलाएगा। तो जीनोम मैपिंग और किस क्रम में लगे हैं, कि क्या ए के बाद, ए टी के बाद क्या सी जी ही आ रहा है, या फिर सी जी के, या फिर ए टी ही आ रहा है फिर से, तो किस क्रम में लगे हैं, किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, साथ में इनकी मैपिंग कैसी है, किस प्रकार से ये लगे हुए हैं, किस क्रम में लगे हुए हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करने में भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बहुत हेल्प करता है। तो आपका किस में हो गया, ये जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग में। ठीक है, फोर्थ नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर वाइडली यूज्ड एज रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड टू जेनरेट एंटीबॉडी प्रोब्स फॉर एग्जामिनिंग प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस प्रकार से बनाते हैं उसी प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रहता है उसका यूज किया जाता है, जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं ना लैब में, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था प्रोटीन टेस्ट किया था, बायोरेट वाला, ग्लूकोज टेस्ट किया था, अल्फा नेप्थॉल वाला, ये जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हुआ है कि उस जो आपका रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है, रिएजेंट बनाते थे ना हम लोग कभी भी, तो
जब हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट करते थे तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को रिएजेंट अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो है ये जो है एंटीबॉडी प्रोब्स को जनरेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं, जिससे हम लोगों को हमारी बॉडी में प्रोटीन जो उपस्थित है, जो प्रोटीन उसके बारे में जानने में हेल्प होती थी। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी हेल्प करते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ही देन है। नेक्स्ट है, मैनी एडिशनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फाउंड इन इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन एंड वेटनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड बायो इंजीनियरिंग। वेटनरी मेडिसिन मतलब जो जानवरों के इलाज के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है, कई लोग हैं जो जानवर पालते हैं, तो चाहे वो डॉग पालना हो या गाय पालना हो, या फिर बहुत सारे ऐसे फार्मिंग वाले भी लोग जो जानवर पालते हैं, तो वेटनरी मेडिसिन बनाने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ फूड इंडस्ट्री में जहाँ फूड प्रोडक्शन होता है, जैसे पेय पदार्थ बन रहे हैं, जो आप लोग मैगी खा रहे हैं, मैगी का इंडस्ट्री हो गया, वहाँ भी ना किसी किसी रूप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, नॉट अबाउट जस्ट मैगी ओनली, फूड प्रोडक्शन जहाँ होता है, जिस इंडस्ट्री में होता है वहाँ पर, ठीक है। और वेटनरी मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान में, और साथ में बायो इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया इसका। नेक्स्ट है इसका, डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी इन अ पर्सन। एचआईवी आप लोग सब जानते होंगे, एड्स के लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसे एचआईवी बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिससे एड्स बीमारी होती है। तो एचआईवी किसी पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, वो जो पर्टिकुलर वायरस है वो किसी की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, उसे जानने के लिए भी, उसे डिटेक्ट करने के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द एचआईवी, ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए एचआईवी को, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर ऑफ बीजी कॉटन, और साथ ही साथ अगर कृषि के रूप में, कृषि विज्ञान में या फिर कृषि में किस चीज के रूप में इसे यूज किया जा सकता है, तो बीटी कॉटन्स जो बनाए जाते हैं, बीटी कॉटन्स क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया से ही डिस्कवर किया गया है ये। बीटी कॉटन ऐसा कॉटन होता है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। बीटी बैगन होता है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ऐसे वाली सब्जियां, और ऐसे ही जो कॉटन है उसका आविष्कार किया गया है। बीटी जो है बेसिलस थ्राइनजिनेसिस फुल फॉर्म है इसका, जो एक बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया के जीन से ही हमने बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल जो बोलते हैं, बीटी बैगन या फिर बीटी कॉटन, बीटी कपास, इसको बनाया है। इसमें जो है आपका क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये बीटी कॉटन बनाने के लिए, और कि किस जिस चीज का यूज किया, जिस टेक्नोलॉजी का, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है, तो कृषि में यूज हो रहा है, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, क्योंकि कीड़े से तो हर कोई परेशान है, किसान लगाते तो हैं मेहनत से, लेकिन कीड़े लग जाते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है, तो उस चीज से एक हेल्प हो रही है हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। इंसुलिन क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इंसुलिन के बारे में पढ़ा भी हुआ है। इंसुलिन वो चीज होती है जो हम लोग कभी भी जो भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, इंसुलिन, और उससे कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को वो एनर्जी में तब्दील कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से वो जो इंसुलिन है उसकी कमी होने लगती है, और इंसुलिन काम नहीं करता रहता है। तो इंसुलिन अगर काम नहीं करेगा, लेकिन हम खाना तो खा रहे हैं, हमारी बॉडी में शुगर तो जा रहा है, तो शुगर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और इंसुलिन की मात्रा कम है, तो काम नहीं हो पाता है। इसलिए जिनको शुगर रहता है, जिन डायबिटिक रहते हैं, जिन हाई शुगर वाले, वो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जीन थेरेपी, इट इज यूज्ड एज एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट्स व्हिच गिव राइज टू हेरिडिटी डिजीज।
यहाँ पर ये बताया गया है जीन थेरेपी में कि यहाँ पर बहुत सारे जीन के डिफेक्ट्स होते हैं, जीन्स में कई बार कुछ कमियाँ कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, जीन के डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ताकि उस जो डिफेक्ट है, जो खराबी है जीन की, जो डिफेक्ट है उसे करेक्ट किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके, जिससे जो है कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, क्योंकि जीन में कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो उस जेनेटिक जो जीन का डिफेक्ट है उसे करेक्ट करने के लिए जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसे यूज किया जाता है, ठीक है, टू करेक्ट जीन डिफेक्ट या फिर इन शॉर्ट जीन थेरेपी में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जैसे कि ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, हम लोग बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कोई बीमारी है क्या, तो कई बार बीमारियों के जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट के पता चले, जैसे कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो स्वैब टेस्ट से होता है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट किया जाता है वो स्वैब टेस्ट, मतलब आपकी नाक से और मुंह से जो है सैंपल लिया जाता है और आपका सलाइवा का, उससे आप लोगों का डिटेक्ट होता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस करना मतलब जानना कि डिटेक्ट करना, कि डिटेक्ट डायग्नोस होगा तो मतलब पता चलेगा, चीजें डायग्नोस होती हैं तो पता चलता है हम लोगों की क्या है, जैसे कि ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, फिर कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, तो आप डायग्नोस करवा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में जैसे एलाइजा है, एलाइजा आप लोगों का सेकेंड ईयर में है या नहीं, नहीं पता, शायद है आप लोगों का एलाइजा, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। एलाइजा जो है एक एग्जाम्पल है, एलाइजा टेक्निक जो है एक तरीका है, जैसे एचआईवी टेस्ट से एचआईवी किसी पर्सन को है या नहीं है उसके लिए, आप लोग सोचते होंगे कभी कि एड्स है कैसे पता चलता होगा, तो एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जो लिया जाता है, ब्लड को लेकर एलाइजा का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि सामने वाले की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं है। तो एलाइजा एक एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो पॉसिबल कर पाया है क्लिनिकल डायग्नोसिस को, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ही देन है वो। तो इस प्रकार से ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों के इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि विभिन्न अलग अलग जो है 10 एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे, जिस 10 एप्लीकेशंस में जो है बहुत सारे फील्ड में इसके एप्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ रिसर्च में बल्कि इंसानों के फायदे, इंसानों को फायदा हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल फायदा हो, अगर आप लोगों का फूड प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है, फूड जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी है, आप लोगों के खेती खेती किसानी में भी है, और साथ में साथ आप लोगों का इंसुलिन प्रोडक्शन से लेकर क्लिनिकल डायग्नोसिस तक के हर एक फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हेल्प कर रहा है। लेकिन इतनी सब चीज हेल्प करने के बावजूद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशंस में पहला क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट, द जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन, यहाँ पर ये बताया गया है। एक सेकंड, तो पहला जो लिमिटेशन है वो तो यही बोलूंगी मैं कि जैसे देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एक नया जीव हम लोग बना सकते हैं, जिसमें हमने दो अलग अलग जीवों के डीएनए को निकाल के हमने एक नए जीव में ट्रांसफर किया, जिससे वो एक पूरा नया जीव बन गया, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, मतलब एथिक्स के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट एथिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के विरुद्ध जाके इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके लिमिटेशन में एक तो पहला ये चीज बताया गया है कि
ये क्या करता है, नेटिव स्पीशीज को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। नेटिव स्पीशीज को मतलब जो स्वदेशी है, जो एक्चुअल में जैसा नेचर में बना बनाया जो चीज है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इससे उसके जीन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये एक पहला लिमिटेशन है कि ये पूरा कम्प्लीटली चेंज कर देता है चीज को, कि वो स्वदेशी नहीं रहेगा। जैसे मैंने दो चीजों से, एक भेड़ से और एक बकरी से डीएनए निकाला और एक दूसरे जानवर में ट्रांसफर किया भेड़ में ही, तो क्या वो भेड़ नॉर्मल भेड़ जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो मेन जो इन्वायरमेंट से देन हम लोगों को मिली है, जैसा वो जानवर है वो चीज को खत्म कर दे रहा है, डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, स्वदेशी चीज को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो ये नेटिव स्पीशीज को इन्वायरमेंट का जो है डिस्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया उस ऑर्गेनिज्म को, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या वो सही है? एक लिमिटेशन है इसकी कि वो क्या करता है, पूरे चीज चेंज कर देता है। ये एक लिमिटेशन हुआ इसका। नेक्स्ट है, रिजिलियंट प्लांट्स कैन थियोरेटिकली गिव राइज टू रिजिलियंट वीट्स विच कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर आपने कोई नया प्लांट बनाया है, मतलब रिजिलियंट प्लांट से मतलब यहाँ पर क्या है बताती हूँ मैं आप लोगों को। लचीला, मतलब ऐसा कोई आपने डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके आपने नया प्लांट बनाया, दो प्लांट्स के डीएनए को लिया, नया डीएनए बनाया, अब वो नए डीएनए को दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, जो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से उसके उपरांत मतलब उसके अपोजिट में कुछ ऐसे वीड्स भी निकलेंगे, मतलब खरपतवार भी निकलेंगे। ऐसे खरपतवार निकलेंगे और जिन्हें हम नष्ट नहीं कर पाएंगे, जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ये भी लिमिटेशन है। ठीक है, कि रिजिलियंट प्लांट हम बना रहे हैं, थ्योरेटिकली राइज कर रहे हैं तो रिजिलियंट वीड्स भी आएंगे उसके लिए, लचीले पौधे बना रहे हैं तो लचीला खरपतवार भी आएगा और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, एक ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ प्रोपेटरी डीएनए बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, अगर आप दो डीएनए को मिला रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए, तो कई बार क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, और अगर जो चीज आप चाहते हैं माइग्रेट होके इधर से उधर जाए वो माइग्रेट नहीं होगी, कुछ अलग ही चीज हो जाएगा। और अगर हो सकता है आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी लिया, दो डीएनए को मिलाकर अब आपने बना लिया, जब आप दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करें तो हो सकता है वो जो बॉडी जिसकी बॉडी में आप ट्रांसफर करें, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो उसे एक्सेप्ट ना करे, और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, डेंजरस हो सकता है, वो इंसान मर भी सकता है ना, कुछ के डीएनए से खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। तो ये एक क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है डीएनए ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन में। रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसा माना जाता है कि रिकॉम्बिनेंट जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये जो प्रकृति के बनाए हुआ जो वातावरण है नेचुरल इन्वायरमेंट को नष्ट कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और हम जितना साइंस को समझ रहे हैं, जितना हम जान रहे हैं इसके बारे में, हम उतना ही खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मैंने मेरा डीएनए ले लिया, मैंने योगिता का डीएनए ले लिया, दोनों के डीएनए को बना के, नया डीएनए बना के मैंने करुणा की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि मुझे कोई राइट्स नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है ऐसा करने का। किसने हक दिया आपको करने का, इन्वायरमेंट से खिलवाड़ खिलवाड़ करने का? तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसको प्रदूषित कर रहा है ये। हम नई नई चीजें बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाकर इसका बहुत जो है ऐसा असर पड़ेगा जो बहुत गंदा असर होगा, चाहे वो इंसान की बॉडी में ऐसा बीमारी ला दे जो किसी का कोई इलाज ना निकले, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके आप लोगों के लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा भी और कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो आप लोगों का सुपर बग को सुपर बग बनाता है, सुपर बग के बारे में मैं कल बताऊंगी अलग से आप लोगों का सुपर बग, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, अलग से फाइनल ईयर में है आप लोगों का। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस थे और एप्लीकेशंस थे।